मंथली 500 से 600 किलोमीटर भाग लेता हूँ और डेली लगभग 15 से 20 किलोमीटर में भागता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं अपने से ही सब कुछ मैनेज करता हूँ, पापा के सपोर्ट से, अपनी फैमिली के सपोर्ट से। मेरा एथलेटिक्स में बस ये सपना है कि मैं इंडिया को बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करूं। अभी मेरा जो करंट गोल है, मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप को क्वालिफाई करना चाहता हूं 100 किलोमीटर में। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के निज़ामुद्दीन में मौजूद हूं, जहां पर मैं आज आपको एक शख्स से रूबरू करवाने जा रही हूं जिसने महज 10 घंटों में 90 किलोमीटर की मैराथन कम्प्लीट की है। तो अभी मेरे साथ रजनीश कुमार मौजूद हैं, तो वेलकम सर। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने 10 घंटे में 90 किलोमीटर कंप्लीट किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस अचीवमेंट से। मैं अपनी फैमिली और अपने सपोर्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए। 10 घंटे में 90 किलोमीटर कंप्लीट करना, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? ये जो रन था एक 2200 मीटर हाई एल्टीट्यूड पर रन था और इसमें 2600 मीटर के एलिवेशन था। तो जब मैंने रन कहाँ पर था? ये ऊटी अल्ट्रा था, ऊटी में था। जब मैं इसमें रन कर रहा था तो मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे मैं रन करता हूँ लखनऊ में, तो मैं फ्लैट रूट में रन करता हूँ। वो जो इवेंट था वो हाई एलिवेशन में था, 26,000 मीटर का। तो मैं उसमें, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो मैं उसमें जब रन करने के लिए गया तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई। जैसे ऊपर चढ़ने मुझे दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पैर में छाले पड़ गए थे। लेकिन मुझे 2025 में साउथ अफ्रीका के लिए जाना था, जो कॉमरेड्स मैराथन होती है 87 किलोमीटर की, तो मैं उसी के लिए गया था और मुझे रन फिनिश करना था और मुझे वहाँ के लिए जाना था, तो मैंने 90 किलोमीटर रन ख़त्म किया उसके लिए। काफ़ी दिक्कतों का सामना किया, लेकिन उसमें भी आ जाता है, डाइट आ जाती है, ट्रेनिंग आ जाती है, कैसे मैनेज किया आपने सब? अभी तो फिलहाल मैं अपने से ही सब कुछ मैनेज करता हूँ, पापा के सपोर्ट से, अपनी फैमिली के सपोर्ट से। कोई पर्सनल ट्रेनर था आपका? नहीं, फिलहाल तो मैं खुद से ही ट्रेनिंग करता हूँ अभी। सेल्फ ट्रेन करता हूँ। और जैसे होते हैं मेरे कुछ एथलेटिक्स के फ्रेंड, मैं उनसे सजेशन लेता हूँ ट्रेनिंग के लिए, और फिर गाइडेंस जैसे डाइट का हो गया, ट्रेनिंग का हो गया, इवेंट्स का। आपका डेली रूटीन क्या है? डेली मैं वीक में 7 डेज होते हैं, मैं 7 डेज ट्रेनिंग करता हूँ किसी इवेंट्स के लिए। जब मुझे जाना होता है मैं सुबह शाम दोनों ट्रेनिंग करता हूँ। फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपको? मेरी फैमिली मेरे साथ ही है। मेरी फैमिली मुझे मेरे रन, हर रन के लिए, हर इवेंट्स के लिए पूरा सपोर्ट करती है, कहीं भी मुझे जाना होता है तो। आगे आपके क्या गोल्स हैं इसके बाद? अभी तो मेरा सिर्फ ये गोल है, मैं जुलाई में एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप कर रहा हूँ 100 किलोमीटर का। आप मूलतः कहाँ के हैं? मैं गोरखपुर से हूँ। वहाँ पर सबसे ज़्यादा सहयोग किसने किया, आपको कुछ बोलना चाहिए? अभी तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा अपने गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट से, योगी जी से, कि वो एथलीट्स को या हम जैसे रनर्स को, एथलीट को वो सपोर्ट करें। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारतीय एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, उस पर क्या कहेंगे? जैसे हर स्टेट की गवर्नमेंट एथलीट्स पे ध्यान दे रही है, पहले ऐसा नहीं था कि वो उनको बढ़ावा देते थे, लेकिन अभी क्या है, कुछ सालों से गवर्नमेंट्स उन्हें बढ़ावा दे रही है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जो ग्राउंड लेवल से उठ रहे हैं एथलीट्स को, उनको भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, हर स्टेट के एथलीट्स को। जो यंग एथलीट्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यंग एथलीट्स को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जिस भी फील्ड में हैं, जहाँ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो उस पर अपने फोकस, अपनी ट्रेनिंग पे फोकस रखें, अपने डाइट पे फोकस रखें और कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करते रहें। मैं वीकली 7 डे ट्रेनिंग करता हूँ। मैं मंथली 500 से 600 किलोमीटर भाग लेता हूँ और डेली लगभग 15 से 20 किलोमीटर में भागता हूँ। मेरा एथलेटिक्स में बस ये सपना है कि मैं इंडिया को बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करूँ। अभी मेरा जो करंट गोल है, मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप को क्वालिफाई करना चाहता हूँ 100 किलोमीटर में। ये थे हमारे साथ रजनीश कुमार, जिन्होंने महज 10 घंटे में 90 किलोमीटर का मैराथन जो है, वो जो टारगेट है, उसको पूरा किया। और इनका सपना भी है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ही अपना एक नाम बनाए और भारत को रिप्रेजेंट करें, भारत को एक तरीके से प्राउड फील कराए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।